दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चंदे की गड़बड़ी का मामला क्या है जिस पर इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है और अरविंद केजरीवाल ने आज बयान दिया है। मामला यह है कि आम आदमी पार्टी ने सन 2012-13, 13-14 और 14-15 में जो भी अपनी बैलेंस शीट और अकाउंट चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को दिए उनमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग को अलग अमाउंट बताया गया, इनकम टैक्स को अलग अमाउंट बताया गया और बैंक का स्टेटमेंट जब देखा गया तो उसमें कुछ और ही अमाउंट निकल कर आया है। इन दस्तावेजों में अरविंद केजरीवाल के खुद के भी साइन है, तो इस फर्जीवाड़े में अरविंद केजरीवाल खुद भी फंसने के लिए जा रहे हैं। गड़बड़ केवल यहीं तक नहीं है, गड़बड़ साथ में यह भी है कि जिन लोगों ने चंदा दिया अपनी मेहनत की कमाई से आम आदमी पार्टी को, उनका चंदा कई जगहों पर छुपाया गया है, डिटेल में नहीं दिया गया है। यहां तक कि शांति भूषण के 2 करोड़ रुपए का हिसाब भी शुरुआत में नहीं जमा कराया गया और ऐसे लोगों का चंदा दिखाया गया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। कई ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर 1-1 करोड़ रुपए का चंदा खाते में दिखाया गया है जिनकी कमाई चंद लाख रुपए की है। बनारस में चुनाव लड़ने से ठीक 1 हफ्ता पहले आम आदमी पार्टी के खाते में 2 करोड़ रुपया आया था। जिन लोगों ने वो 2 करोड़ रुपया दिया था वो पकड़े गए हैं और उन्होंने भी ये मान लिया है कि ये पैसा हवाला का पैसा था। तो हवाला का पैसा, चंदे की गड़बड़ी और खातों में फर्जीवाड़े का ये मामला है। अरविंद केजरीवाल खुद भी इसमें फंसने जा रहे हैं, इसीलिए पहली बार सामने आए कोई बयान देने के लिए, लेकिन उनका बयान वैसा ही है जैसा लालू यादव ने बयान दिया था भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। आज अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे लालू यादव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूँ, मई और जून से हम लोगों ने ये दस्तावेज सार्वजनिक करने शुरू किए थे, ईडी में, सीबीआई में और इनकम टैक्स में मामले दर्ज कराए थे। जब तक सारी सच्चाई जनता के सामने नहीं आती और केजरीवाल जेल नहीं जाते तब तक इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। केजरीवाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और सारा सच दुनिया के सामने ला दो, जितना झूठ बोलोगे उतना फंसोगे। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के 5 साल, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं। आम आदमी पार्टी से चले थे, 4 आदमी पार्टी तक आ गए। संतोष कोहली से चले थे, अमानतुल्ला खान पर आ गए। चिदंबरम भ्रष्टाचारी है से लेकर चिदंबरम मेरा वकील है तक, नेता नहीं नौकर से लेकर हम दिल्ली के मालिक हैं तक, कार्यकर्ताओं की सरकार बनाएंगे से लेकर सगी बेटी को नौकरी दिलवाने तक। आम आदमी कुछ भी कर सकता है से लेकर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें कोई काम नहीं करने देता तक, जनता के पैसों से लेकर हवाला के चंदे तक, पद यात्रा से लेकर सैकड़ों विदेश यात्राओं तक, भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नोटबंदी को गलत बताने लगे, भारत माता की जय कहने वाले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे, मोहल्ला सभा के लिए आए थे और राज्यसभा के लिए लड़ने लगे, बिजली पानी पर सरकार बनाने वाले चाय पानी पर अटक गए, शीला को हराने से लेकर लालू को गले लगाने तक, सगे बच्चे भी भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई माफी नहीं से लेकर साड़ू को ठेका और फर्जी बिल दिलवाने तक, कुमार विश्वास से चले थे और आशुतोष पर आ गए, लड़ना था करप्शन से लड़ने लगे ईवीएम से, कलेक्टिव लीडरशिप से लेकर वन मैन फ्लॉप शो तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर इंडियन मुस्लिम लीग बन जाने तक, आंदोलन की हत्या करके उसकी लाश सजाए बैठे हैं, आंदोलन की हत्या करके उसकी लाश सजाए बैठे हैं, कुछ लोग केजरीवाल से चंद टुकड़ों की आस लगाए बैठे हैं, आज भी चिपके खड़े हैं कुर्सियों से जिन्होंने खुद के लिए सपना बुना था, आज भी चिपके खड़े हैं कुर्सियों से जिन्होंने खुद के लिए सपना बुना था, मुझे देश और केजरीवाल में से एक को चुनना था, मैंने अपना देश चुना था, मैंने अपना देश चुना था। जय हिंद।